मेरा नाम नवजीवन विजय पवार है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वीडियोस देखते देखते आज मेरी खुद की एक वीडियो आने वाली है, क्योंकि 1.5 ईयर्स आई वॉज स्टडिंग कंटिन्यूसली वेरी हार्ड, बट एट द मोमेंट वेन द आयरन वॉज हॉट आई वॉज लाइंग ऑन बेड। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उस टाइम मेरी कायनात मेरे साथ जुड़ गई। शुरुआत ऐसे हुई, मेरी बहन, मेरी सिस्टर मेरे बाजू में थी। सिस्टर को मैंने बाजू में बिठाया, मोबाइल यूट्यूब लगाया, एक हेडफोन मेरे कान में, एक हेडफोन उसके कान में। हम दोनों पढ़ते थे। मैं उसको बोलता था कि दीदी तू इतने नोट्स बना ले, कभी मुझे डेंगू हो जाता है, कभी मुझे कुत्ता काट जाता है, कभी मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी मुझे एग्जाम के मोमेंट में डायरिया हो जाता है। वो फ्यूचर देखने वाले के पास गया और वो भाई को मैंने मेरा हाथ दिखाया। जब हाथ देखा तो उन्होंने मुझे क्या कहा, 27 एज तक आप कोई IAS बनने नहीं वाले हो, और आप ये नहीं बनने वाले क्योंकि आप दिल्ली में इधर टाइम पास करने आए हो, ना कि पढ़ाई करने। अब आप इमेजिन करो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन की लेवल क्या होगी। एक तो पहले ही 4 इंसिडेंट कम हो गए थे कि ये 5वां आदमी आके मेरे को बोलता है कि भाई तू कलेक्टर नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी मैंने आपको मेरे पिक्चर का ट्रेलर बताया, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवजीवन विजय पवार है और मेरी रैंक इस साल 316 थी। इस रैंक के हिसाब से मुझे IAS कैडर अलॉट हुआ है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वीडियोस देखते देखते आज मेरी खुद की एक वीडियो आने वाली है, और इस वीडियो में मैं आपको मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरी स्टोरी एक सिंपल एक लाइन में है। 2017 में मेरी डिग्री हुई, 2018 में मैंने UPSC की एग्ज़ाम दी। ये एग्ज़ाम पूरे एक साल तक चली और 2019 में मेरा रिज़ल्ट लगा, और इस रिज़ल्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं IAS बन गया। तो जिस तरह हम कोई पिक्चर देखते हैं, एक पिक्चर का एक ट्रेलर होता है, उसी तरह ये मेरी स्टोरी का एक ट्रेलर है। पिक्चर अब शुरू हो जाने वाला है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरे गांव का नाम नवी बेज है, जो नासिक ज़िले में है। मेरे घर पे मेरे फादर फार्मर है और मेरी माताजी प्राइमरी स्कूल की टीचर है। और मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं सिविल इंजीनियरिंग डिग्री की है मैंने महाराष्ट्र से, एंड आफ्टर विच आई स्टार्टेड प्रिपरेशंस ऑफ UPSC। तो अब सिर्फ आप बोलते समय मुझे थोड़ा हैंडल कर लेना, क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आई वुड ट्राई टू गिव माय बेस्ट आपके सामने। तो जब भी कभी मैं बोलता हूँ तो मैं बोलते समय मेरी डेट्स पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेरा कॉलेज 27 मई 2017 को हुआ और 27 जून को मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली मेरे दोस्तों के साथ आया था, और दिल्ली आने के बाद 28 जून को मैंने मेरी स्टडी चालू की। हमारी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 3 जून को थी। एक साल तक मेरी प्रिपरेशन फुल ज़ोरदार से चालू थी, और ये प्रिपरेशन करते टाइम मेरा एवरेज डेली शेड्यूल, गांव से दूर यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे तो मेरा मेजर फोकस ये स्टडी पे ही रहता था। स्टडी की प्रिपरेशन मेरी फुल फोर्स से चालू थी। बिफोर 3 जून, 1.5 महीने पहले हमारे लास्ट साल की बैच का रिज़ल्ट लगा, और उस रिज़ल्ट में मेरा एक एकदम खास दोस्त, जो मेरा एक सीनियर भी है, जिसने इंटरव्यू भी दिया था, वो पास ना हो सका। तो आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, मेरे अंदर भी थोड़ा एक कंपेरिजन चालू हुआ कि अगर मेरा दोस्त जो इतना सीरियसली स्टडी कर रहा था उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। तो जो मेरी गाड़ी 2nd-3rd गियर पे चालू थी, मैंने उसको और टॉप गियर में लगाया। लास्ट 1.5 मंथ मैंने फुल फोर्स से प्रिपरेशन की, और फिर बाद में प्रीलिम्स में पास हो गया। अभी आते हैं मेंस की तरफ। मेंस हमारी थी 28th ऑफ सेप्टेम्बर। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हमें 4 मंथ्स टाइम मिला था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसलिए मन के अंदर थोड़ा डर भी था कि पास होगा या फेल। तो ये पास फेल चालू था। ऐसा करते करते प्रीलिम्स का रिज़ल्ट लग गया, और बाय द एंड ऑफ 31st ऑगस्ट आई वॉज प्रिपेयरिंग इन फुल फोर्स। बट अभी मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले थे, जिसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था। 31 अगस्त की रात को मैं अपनी लाइब्रेरी से रूम पे गया, और रूम में जाके मैं सोचा कि अभी लास्ट के 28 डेज बाकी है। 28th ऑफ सेप्टेम्बर में सामने एग्ज़ाम थी और 28 दिन बाकी थे। मैंने सोचा अभी जो कुछ हो अपन पूरा जी जान लगा देंगे, फुल फोर्स से स्टडी करेंगे। तो 31 की रात को मैं रूम पे गया, सोया। अगली तारीख थी 1 सितंबर। 1 सितंबर को सुबह मैं उठा ही नहीं, सोया था। मेरी बॉडी में पेन था, टेम्परेचर था,
रूम पार्टनर और मेरे सारे दोस्तों को लगा कुछ तो वायरल फीवर होगा, क्योंकि अगस्त और सितंबर का महीना दिल्ली में बारिश थी, इसलिए उन्हें लगा कि कोई सीरियस नहीं होगा। फिर कोई लिया नहीं। 2 सितंबर की सुबह हुई, उस सुबह भी मैं सुबह उठा नहीं। ये जो 1 और 2 तारीख के 48 आवर्स थे, इन 48 में से 36 आवर्स आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन, मैं सोया था। मेरे जो रूम पार्टनर है रवि, योगेश, इन सबको लगा कि कुछ तो सीरियस है, इसलिए वो मुझे दिल्ली के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने मेरी ब्लड टेस्ट की और उन्हें पता चला कि मुझे डेंगू हुआ है। उस टाइम पे मैं बहुत ही हिल गया था, क्योंकि आप इमेजिन करो, मेंस में हमारे टाइम अराउंड देर वे 10,500 पीपल हु आर गोइंग टू गिव मेंस, और इन 10,500 लोगों में से 10,499 ईच ऑफ देम वर स्टडिंग फॉर दैट मेंस एग्जाम विच वॉज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 28th of September। वेर एज मैं क्या कर रहा था, मैं एक बेड पे लेटा हुआ था। उस दिन मैं बहुत रोया, सोचा अगर घर को बता देंगे तो घर में बहुत टेंशन लेंगे, क्योंकि पिताजी मेरे फार्मर है, उन्हें बहुत टेंशन होगा, वो बोलेंगे तुम एग्ज़ाम सब छोड़ दो, पहले गांव को निकल आओ। इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। दिल्ली में मेरा एक BSF में एक भाई है, भाई को बोला कि यार भाई कुछ हो सकता है तो देखो आर्मी हॉस्पिटल में होगा। तो भाई ने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं घर पर कुछ बताऊँगा नहीं, और वो 2 कदम आगे निकल गया और उसने पहला फ़ोन मेरे घर पर मेरे पिताजी को किया कि चाचा जी, भैया, मतलब मुझे प्यार से घर में भैया बुलाते, भैया को डेंगू हो चुका है। पिताजी ने बहुत टेंशन ले लिया और उन्होंने उसी वक्त मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए और मुझे उसी 2 तारीख की रात को मुझे नासिक बुलाया गया। 2 तारीख की रात को जब मैं घर पहुंचा तो घर पे ना चाय ना पानी ना नाश्ता कुछ भी नहीं, सीधा मुझे उठा के वहाँ के गंगापुर रोड में कासलेवाल हॉस्पिटल है वहाँ पर मुझे एडमिट कर दिया गया। और सामने 26 दिन थे हॉस्पिटल पर मैं लेटा हुआ था, उस टाइम मैं रो रहा था, मैं मेरी कंडीशन पे इमेजिन कर रहा था, क्योंकि आप वो सिचुएशन एक इमेजिन करो कि कोई बंदा हॉस्पिटल में या हॉस्टल में रह रहा है जिसने घर का खाना कभी खाया नहीं, जब घर जाता है और एक मन पसंदीदा अगर कोई खाना अगर सामने रखा हो, जब हम खाना खाने जाते उसी मोमेंट पे अगर कोई छीन ले तो बहुत दर्द होता है, उसी तरह मेरे मन में वो कंडीशन थी। क्योंकि 1.5 ईयर्स आई वॉज स्टडिंग कंटिन्यूसली वेरी हार्ड, बट एट द मोमेंट वेन द आयरन वॉज हॉट आई वॉज लाइंग ऑन बेड, मैं रो रहा था। फिर उस वक्त मैंने मेरे पिताजी से बात की, पिताजी ने मुझे कहा कि लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अ चॉइस, तुम्हारे सामने 2 रास्ते, मराठी में उसे कहते एक तो रड़ाईचं नहीं तो लड़ाईचं, उसका मतलब ये है एक तो रोना है नहीं तो लड़ना है। मैंने सोचा कि यार अपना रोना तो हो गया, अभी आपने को लड़ना है, तो सोचा लड़ना है तो अभी सबसे लड़ेंगे। लड़ते लड़ते मैंने शुरुआत की मेरे हॉस्पिटल की नर्स से। ICU में एडमिट था तो मेरे दोनों हाथों में इंजेक्शन सलाइन लगाने वाले थे, तो मैंने नर्स मैडम को बोला कि मैडम कुछ भी करो मेरा राइट हैंड यू डोंट हैव टू पंक्चर इट, क्योंकि उस हाथ से मुझे मेंस के 9 पेपर लिखने हैं। तो मेरे हाथ में पूरे तीनों के तीनों सलाइन सब इंजेक्शन मेरे लेफ्ट हैंड में लगाए गए। और फिर अगली लड़ाई हुई डॉक्टर से। आप डॉक्टर की कंडीशन इमेजिन करो कि जब डॉक्टर साहब ICU में एंटर किए, पूरे ICU में सब ज़्यादातर ओल्ड पीपल थे, समवेयर ऑन वेंटिलेटर, और उसमें मैं एक छोटा सा लड़का था जो ICU के हॉस्पिटल में बेड में मैं लेटा हुआ था। और मेरे हॉस्पिटल में कंडीशन आप इमेजिन करो कि बेड पर मैं ऐसा लेटा हुआ, एक हाथ में मेरे सब इंजेक्शन सलाइन वगैरह है और बेड के दूसरे बाजू में सब मेरे बुक्स, UPSC के सब एग्ज़ाम के सब कोचिंग का मटेरियल सब उसमें पड़ा था और मैं पढ़ रहा था एक हाथ से। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर बोले, बेटा तू ये क्या कर रहा है, तेरी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये एग्ज़ाम तो क्या अगले साल भी आ जाएगी। तो फिर डॉक्टर साहब से मैं लड़ा, डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो, आपका काम है मुझे ठीक करना, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा काम है पढ़ाई करना। मैं बोला आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। तो फिर डॉक्टर भी साइड हो गए। अब लड़ाई हुई अपने हालात से। अब डॉक्टर से लड़ाई हो जाने के बाद अब लड़ाई थी अपने हालात से, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे साथ नहीं दे रही थी। आप डेंगू की कंडीशन इमेजिन करो कि मेरे ब्लड प्लेटलेट्स पूरे डाउन थे, बॉडी फुल पेन कर रही थी, आई डिड नॉट हैव एनी एनर्जी टू गेट अप। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है, तो मैं जिधर किधर भी जाता हूँ, मेरा एक डायलॉग है जो आप सबने सुना होगा, ओम शांति ओम पिक्चर का। वो डायलॉग ऐसा है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उस टाइम मेरी कायनात मेरे साथ जुड़ गई। शुरुआत ऐसे हुई, मेरी बहन, मेरी सिस्टर मेरे बाजू में थी, सिस्टर को मैंने बाजू में बिठाया, मोबाइल यूट्यूब लगाया, एक हेडफोन मेरे कान में, एक हेडफोन उसके कान में, हम दोनों पढ़ते थे। मैं उसको बोलता था कि दीदी तू इतने नोट्स बना ले। 12th स्टैंडर्ड में मेरी एक भांजी है, शी इज़ इन 12th स्टैंडर्ड, उसको UPSC का कोई नॉलेज नहीं,
अगर आप देखो तो यूपीएससी में मेंस ये टोटल 9 पेपर्स होते हैं, इट अराउंड 1750 मार्क्स, 1750 मार्क की एग्ज़ाम होती है। मेंस में टोटल 1000 मार्क्स का जो सिलेबस है उसके लिए मेरे शॉर्ट नोट्स, मेरी जो 12 में जो भांजी है, छोटी लड़की है, उसने मुझे हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के उसने मुझे सब बना के दिया। यही नहीं कि दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक कत्ते, वो फ्रेंड ही वॉज ऑल्सो गिविंग हिज मेन्स एग्ज़ाम, वो दिल्ली में हर रोज़ दोपहर को मुझे फ़ोन कॉल करता था और नासिक से मैं हॉस्पिटल में बैठ के फ़ोन पे वो मुझे इकोनॉमी पढ़ाता था। ये करते करते और एक मेरी दोस्त बारिया मंसूर, ये लड़की आप इमेजिन करो कि इसने अपने खुद के हार्डवर्क से उसने एथिक्स के नोट्स बनाए, और जब उसे मेरी कंडीशन पता चली तो उसने बेझिझक में उसके पूरे सारे नोट्स मुझे दे दिए, बोले कि जा बेटा पढ़ ले। और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि उसके नोट्स पढ़ के एथिक्स में मुझे अच्छे मार्क्स आए, अराउंड 122 मार्क्स, आई सिक्योर्ड 122 मार्क्स इन एथिक्स, विच आर अमंग द हाइएस्ट इन इंडिया। मतलब मेरे ऊपर भी बहुत है लेकिन मैं भी उनमें गिनती होती है। फिर शुरू हुई, 15 सितंबर तक मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में था। माता पिताजी का कंट्रीब्यूशन इतना है कि उसके लिए जितना कहो उतना कम है, इसलिए मैं वो कहने नहीं वाला। 15 सितंबर को वापस नासिक से 1700-1200 किलोमीटर दूर वापस मैं दिल्ली आ गया। सामने बचे थे 13 दिन, और 13 दिन मेरे सामने वो बहुत ही घड़ी बहुत मुश्किल थी। रूम पे गया तो रूम पे मेरे अंदर कंपैरिजन चालू हुआ। उस टाइम मैं बहुत ही इमोशनली डिप्रेस था। उस वक्त जो मेरे सब रूम पार्टनर थे, मैं जिधर भी इधर भी जाता हूँ ना, मैं उनका नाम लेता ही हूँ, तो आप भी थोड़ा सब्र रखिएगा। रवि, योगेश, नीलेश और ये सब मेरे रूम पार्टनर अक्षय खराद, ये तीनों चारों मेरे बाजू में बैठे, उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा और उन्होंने कहा, वापस वही पिताजी की डायलॉग मेरे सामने आया कि लाइफ गिव्स यू अ चॉइस, तुम्हारे सामने दो ही ऑप्शन है, एक तो रोना है नहीं तो लड़ना है। जब मैं महापात्र सर से मिलने गया, बहुत ही डिप्रेस था क्योंकि अभी तक मेंस का रिजल्ट आया नहीं था और मेरे अंदर ये 2-3 इंसिडेंट्स हो गए थे। मैं आई वॉज क्वेश्चनिंग माई ओन सेल्फ कि क्या मैं बन पाऊँगा कि नहीं। तो उस वक्त महापात्र सर के साथ बैठा, सर ने ऐसा पीठ पे हाथ फिराया, हाथ थपथपाई और पूछा कि बेटा क्या हुआ। जब सर ने क्या हुआ, ये हुआ का जब लास्ट वर्ड ख़त्म हुआ, वर्ड ख़त्म होते ही मेरे आँखों से पानी बहने लगा, आई वॉज लिटरली क्राइंग। तो मैंने सर से सवाल पूछा कि सर आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। कोई भी एक कलेक्टर हो, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर होती है, इन शॉर्ट ही इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने सर से पूछा कि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने दो, मुझे मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयर करने नहीं आ रही। कभी मुझे डेंगू हो जाता है, कभी मुझे कुत्ता काट जाता है, कभी मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी मुझे एग्ज़ाम के मोमेंट में डायरिया हो जाता है। क्या लगता है सर आपको कि विल आई बी एन एक्सेलेंट ऑफिसर? तो सर ने मुझे कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी तुम्हारे लाइफ में बहुत अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, दिस इज़ द फेज ऑफ योर डाउन्स। और मेरी तुम्हें एडवाइस यही रहेगी कि यू जस्ट फेस इट। और उन्होंने जाते जाते एक लाइन कही कि वन डे आई नो दैट वन डे यू विल बी एन एक्सीलेंट ऑफिसर। ये सोच के मैं वापस आ गया और अभी मेरी 5वीं इंसिडेंट होना बाकी था। जब मैंने फुल फोर्स से मैंने प्रिपरेशन चालू की, उसी वक्त फिर मेरे कुछ खास दोस्त थे, उन दोस्तों ने देखा यार अपना ये दोस्त क्या है, इसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि चलो हम तुम्हारा भविष्य देखने जाते हैं। तो अब अगर आप इमेजिन करो कि वी आर द पर्सन्स हु शुड फॉलो साइंटिफिक टेम्पर, वी शुड बी पीपल हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ साइंस, और अगर हम ये हॉरोस्कोप ये फ्यूचर में अगर हम भरोसा रखने लगे, एंड इट वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन। इमेजिन करो कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर फ्लड आया है, सपोज़ वो फ्लड रिडन पीपल अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, साहब हमारे घर से पानी कब जाएगा, और वो बोलेंगे जब आपका भविष्य देखे हो, तो चलेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। उसी कंडीशन से इट वॉज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, बट दोस्तों का प्यार थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर था, इसलिए आई हैड टू एक्सेप्ट दैट फिलोसफी। और मैं वो फ्यूचर देखने वाले के पास गया और वो भाई को मैंने मेरा हाथ दिखाया। जब हाथ देखा तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम 27, जब तक तुम्हारी मराठी में कहता हूँ, 27 वयाच्या 27व्या वर्षापर्यंत तू काय कलेक्टर होणार नाही, आणि दिल्लीला जरी तू आलायस तर तू कलेक्टर व्हायला नाही, तर तू इथं टाइमपास करायला आलायस। उसका मतलब ये है कि आप 27 एज तक आप कोई IAS बनने नहीं वाले हो, और आप ये नहीं बनने वाले क्योंकि आप दिल्ली में इधर टाइम पास करने आए हो, ना कि पढ़ाई करने। अब आप इमेजिन करो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन की लेवल क्या होगी। एक तो पहले ही 4 इंसिडेंट कम हो गए थे कि ये 5वां आदमी आके मेरे को बोलता है कि भाई तू कलेक्टर नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मेरा इतना हाई लेवल पर चढ़ चुका था। मुझे आपने देखा, मुझे थोड़ा शेर व शायरी गानों का मुझे शौक है, तब मैंने लाइनें मन ही मन में कहा, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया क्योंकि गलती हमारी थी कि हम उसके पास गए थे। तो मैंने मन ही मन उसको मिर्ज़ा गालिब जी की एक लाइन है उसे कही थी
मिर्ज़ा गालिब जी की लाइन ऐसी है, वो कहते हैं कि हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। फिर ये डिसाइड किया, अगर सामने वाली अगर कोई इंसान मेरा रॉन्ग फ्यूचर लिख सकता है, इफ़ ऑल इंसिडेंट्स कैन गो अगेंस्ट मी, व्हाई नॉट आई शुड स्टैंड विथ मी, आई शुड बी माई ओन हेल्पर। उसी वक्त मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया और मेंस के रिज़ल्ट में मैं पास हो गया। अभी मेरी तैयारी थी इंटरव्यू की, इंटरव्यू का फेज़ था और हाँ, ये फेज़ के हिसाब से मुझे डीकेटी दिल्ली नॉलेज ट्रैक का भी मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो शुरू में कहा कि डीकेटी के वीडियोस देखते देखते आज मेरी खुद की वीडियो आ रही है, ये कहते ना पूरी कायनात, उस टाइम में डीकेटी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इंटरव्यू के चंद दिनों पहले ही अनिल स्वरूप जी का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, उन्होंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए थे और वही पर्सपेक्टिव लेके मैं इंटरव्यू गया था। तो अब मैंने कहा कि अगर सामने वाला इंसान मेरा फ्यूचर लिख सकता है, देन व्हाई शुडंट आई राइट माय ओन फ्यूचर। मैंने खुद अपने हाथों पर भरोसा रखा और मेरा इंटरव्यू 25 फरवरी को था, 23 फरवरी को मैंने दिल्ली से एक लेटर लिखा मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी बहन को। मैंने लेटर में लिखा, प्रिय पप्पा मम्मी ताऊ, आप कैसे हो, यहाँ पे सब ठीक है, कल परसों मेरा इंटरव्यू होने वाला है। बट लेटर लिखने का कारण ये है कि यूपीएससी 2018 का रिज़ल्ट आ चुका है और इस रिज़ल्ट में आपका बेटा नवजीवन विजय पवार ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो चुका है एंड ही इज़ सिक्योरिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर। ये करके मैंने मेरा लेटर लिख दिया, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, 25 तारीख को गया, फुल कॉन्फिडेंटली मैंने मेरा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद घर आया, घर आके थोड़ा टाइम पास चिलिंग किया और जो मैंने कहा ना टाइम 6:55 PM, ये टाइम मेरे लिए मतलब ये मोमेंट मुझे क्या पता कोइंसिडेंस हो कि यही मोमेंट पे थर्ड इंसिडेंट हुआ, इट वाज गुड फॉर मी कि मैं फोर व्हीलर ड्राइविंग सीख रहा था उस टाइम। मेरी कार में मेरी माताजी भी आई थी, वो बोल रही थी चल बेटे तेरी गाड़ी चलाते हुए देखते। तो ऐसे करते करते हम डिंडोरी करके गाँव उधर गए और फिर वो आप लोगों ने मगधीरा पिक्चर देखा होगा, मुझे थोड़ा फिल्मी है, बोलते ना जब दो लोग मिलने वाले हो तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते, उसी तरह रिज़ल्ट लगने वाला था। उसके मोमेंट टेलीग्राम व्हाट्सएप के सब ग्रुप पे आ रहे थे कि रिज़ल्ट लगने वाला है और उसी मोमेंट पे मेरे पिताजी का मुझे फ़ोन आया कि बेटा क्या हुआ, रिज़ल्ट लगा कि नहीं, क्या हुआ, तुम क्या होने वाला है। मैंने बोला पिताजी रिज़ल्ट अभी आज आने वाला है शायद, बट आई डोंट नो वेदर क्या कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पिताजी बोले कि हमें एक बात तो गारंटीड है कि तू कुछ पास हो या फेल हो हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, बट वी आर गोइंग टू ऑलवेज बी विथ यू, क्योंकि हमें मालूम है कि तू पूरे जी जान से तूने एग्ज़ाम दी थी। और वो फ़ोन जब चालू था उसी मोमेंट पे मुझे दो कॉल आ गए और वो कॉल फिर मैंने कट किया और देखा मेरे रूम पार्टनर रवि और सचिन का कॉल था। मैंने रवि को कॉल किया और रवि को फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि भावा नव्या तू पास झालेला आहेस, तुझा रँक 316 आलेला आहे आणि तुला आता IAS भेटते। इसका हिंदी में मतलब ये था कि भाई तू पास हो गया है, तेरा रँक 316 आ गया है एंड यू आर सिक्योरिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। तो अभी मैंने आपको मेरे पिक्चर का ट्रेलर बताया, आपको मेरी पिक्चर भी बताई, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपको मैं अगर पूछता हूँ, अभी यूट्यूब है, आप रिप्लाई कर पाओगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप हिला लेना आपका सर। जब मुझे डेंगू हुआ उस टाइम अगर मैं हॉस्पिटल पे मैं रोते हुए बैठता था तो क्या मैं आज इधर ये वीडियो के सामने होता? नहीं। जब मुझे किसी कुत्ते ने काटा, वो कुत्ते के पीछे अगर मैं भागते गया तो क्या आज मैं इधर खड़ा होता? नहीं। जब मेरा मोबाइल चोरी हो गया और वापस मैं रोते बैठ के दिल्ली सब छोड़ के घरदार आके अपनी खेती में लग जाता तो क्या मैं आज पास होता? नहीं। जब किसी आदमी ने मेरा फ्यूचर बताया कि तू ना हो पाएगा, उसको अगर मैं उसके ऊपर बिलीफ रख के सब कुछ छोड़ देता तो क्या आज मैं बन पाता? नहीं। इसका मतलब क्या है? लाइन वही है कि लाइफ नेवर गिव्स यू अ डेड एंड, लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अ चॉइस। चॉइस होती है एक तो लड़ना है या फिर भागना है। अगर आपके लाइफ में कभी भी कोई भी इंसिडेंट्स हो, पांचों उंगली सेम नहीं है, आपके लाइफ में भी कभी कोई डिफरेंट इंसिडेंट्स हो तो उसको आप यू फेस इट ब्रेवली एंड आई नो दैट वन डे यू विल इमर्ज सक्सेसफुली। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी हियर, थैंक यू। ये बोल के मैं अपनी लाइन ख़त्म करता हूँ।